हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अनिला डीआईवाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओलिविया डिटेन ब्लीच का रिव्यू एंड इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है, वो भी मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स में शेयर करूँगी। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। ये ओलिविया का डिटेन ब्लीच है, इसमें एक्टिवेटर कार्बन ऐड है जो स्किन में से टैनिंग को दूर करने में हेल्प करता है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें एमोनिया ऐड नहीं है और इसमें भी मेंशन किया है कि सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, छोटा सा पाउच है क्योंकि एक ट्रायल पैक है, तो आप इसे एक बार ही यूज कर सकते हो। वन टाइम यूज करने के बाद अगर आपको ये ब्लीच अच्छा लगे तो आप इसका बड़ा पैकेज भी खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, ये डिटेन ब्लीच सिर्फ 20 रुपीज में आपके स्किन में से टैनिंग को दूर करके आपके चेहरे को ग्लोइंग एंड शाइनी बनाता है। फ्रेंड्स, अब बात करके ये डिटेन ब्लीच किन किन स्किन टाइप को सूट करता है। तो फ्रेंड्स, सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो आपकी स्किन टाइप जो भी हो, लेकिन आप इसे यूज़ करने से पहले इसका पेज टेस्ट जरूर करें। ये ओलिविया का नया डिटेन ब्लीच है जो त्वचा को डीप क्लीजिंग द्वारा त्वचा की ब्लीचिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक्टिवेटर कार्बन की शक्ति का उपयोग करता है। एक्टिवेटर कार्बन यानी चारकोल। एक्टिवेटर कार्बन स्किन में से डर्ट को दूर करने में हेल्प करता है और आपके चेहरे को पहले से ज़्यादा ग्लोइंग और वाइटनिंग बनाने में हेल्प करता है। इसे यूज़ करने का तरीका भी इसमें मेंशन किया हुआ है, वो आगे मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। इस पाउच में लिखा है कि इसे आप अच्छे रिजल्ट के लिए 15 दिन में एक बार यूज़ करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि चाहे कोई भी ब्लीच हो, लेकिन आप मंथ में एक बार ही यूज़ करें। इसमें इंग्रीडियंट्स भी लिखे हुए हैं। बात करें एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी 2 साल की है। तो चलिए पाउच को खोलकर देख लेते हैं इसके अंदर कितने पाउच है। आप देख सकते हो 20 रुपीज़ में आपको 1, 2, 3, 4 पाउच मिल रहे हैं। बात करें क्वांटिटी की, तो 20 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। ये पहला पाउच है, ये डिटेन ब्लीच क्रीम है जो स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। इस पाउच का वेट है 5.5 ग्राम। इसमें इंग्रीडियंट लिखे हुए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वा। दूसरा पाउच है ब्लीच बूस्टर डिटेन, इसका वेट है 1 ग्राम। इसमें एक्वा के साथ साथ ग्लिसरीन भी ऐड है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है और स्किन को ड्राई होने से बचाती है। तीसरा जो पाउच है वो है ओलिविया डिटेन ब्लीच का एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का जो वेट है वो भी 1 ग्राम है। एक्टिवेटर में जो इंग्रेडिएंट है वो है पैरासल्फेट एंड चारकोल। एक्टिवेटर स्किन में जमी गंदगी को दूर करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट पाउच है वो है पोस्ट ब्लीच सीरम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फ्रेंड्स, ये पोस्ट ब्लीच सीरम है, तो इसे आपको ब्लीच करने के बाद अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना होता है। ब्लीच सीरम आपके फेस को ब्लीच करने के बाद होने वाली ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है। बात करें वेट की, तो इसका वेट भी 1 ग्राम है। फ्रेंड्स, ये ओलिविया डिटेन ब्लीच की क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन अब इसे यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। मेरा ये वीडियो देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये ब्लीच अपने फेस पर अप्लाई करना है या नहीं। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताती हूँ इसे यूज़ करने का तरीका। ओलिविया डिटेन ब्लीच बनाने के लिए आप एक बाउल ले लीजिए। बाउल में ओलिविया डिटेन ब्लीच क्रीम पूरी निकाल लीजिए क्योंकि ये 1 टाइम यूज ही है। दूसरा पाउच आपको इसमें ऐड करना है वो है ओलिविया डिटेन ब्लीच का एक्टिवेटर। एक्टिवेटर 1 ग्राम है, तो एक्टिवेटर पूरा ही आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब आपको इसमें तीसरा पाउच ऐड करना है, वो है ओलिविया का डिटेन ब्लीच बूस्टर। ब्लीच बूस्टर स्किन को व्हाइटनिंग एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है और ये जेल फॉर्म में है, आप देख सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। ब्लीच को मिक्स करने के लिए आप स्पून या ब्रश का इस्तेमाल करें। इतना मिक्स करें कि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। ब्लीच करने से पहले अपने चेहरे और गर्दन पर गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और ब्लीच करने के बाद 2-3 दिन तक अपने फेस और नेक पर साबुन का उपयोग ना करें। ब्लीच करने के बाद 2-3 दिन तक सादे पानी से ही अपने चेहरे को धो लें और चेहरे को धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, हमारा ओलिविया डिटेन ब्लीच स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, ब्लीच करने से पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी स्किन को क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए मैंने क्लींजिंग मिल्क का उपयोग किया है। आप चाहो तो आप फेस वॉश से भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आप वेट वाइज भी यूज़ कर सकते हो। फेस को क्लीन करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप अपना फेस क्लीन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह क्लींजिंग मिल्क से अपने चेहरे को क्लीन कर रहे हो तो आपको उसके अंदर नॉर्मल वाटर ऐड करना है, जिससे चेहरे और नेक को क्लीन करते समय हमारा चेहरा ड्राई ना हो जाए, चेहरे और नेक पर नमी बनी रहे। फ्रेंड्स, मैंने आपको घर पर ब्लीच करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है, जिसे आप घर पर सही तरीके से ब्लीच कर सको। फ्रेंड्स, क्लींजिंग मिल से 2 या 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। 2 या 3 मिनट तक मसाज हो जाने के बाद आप चाहो तो आप नॉर्मल वाटर से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हो, या फिर आप एक छोटा सा नैपकिन पानी में भिगोकर अपने फेस को क्लीन कर सकते हो।
फेस को क्लीन करने के बाद फेस को ड्राई कर लीजिए, क्योंकि ब्लीच आपको फेस को ड्राई होने के बाद ही अप्लाई करना है। ब्लीच करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगी, आपको लेनी है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली आपको अपने आईब्रोज पर अप्लाई करनी है ताकि आपके जो आईब्रोज का जो कलर है वो गोल्डन हेयर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर आईब्रोज पर गलती से भी ब्लीच लग गया तो आपकी जो आईब्रो है वो गोल्डन कलर की हो जाएगी। पेट्रोलियम जेली को आईब्रोज पर अप्लाई करने के बाद अब आपको करना है ब्लीच। ब्लीच आप चाहे तो आप फिंगर्स की हेल्प से भी कर सकते हो, आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ब्लीच करें अपने फेस पर तो आप ब्रश की हेल्प से ही करें। ब्लीच फेस पर अप्लाई करने से पहले फिर एक बार अच्छे से मिक्स करें। ब्लीच अप्लाई करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फेस पर जो फेशियल हेयर है वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको ब्लीच को अप्लाई करना है। ब्लीच आपको नोज, लिप्स और आईब्रोज को बचाकर ही आपको ब्लीच लगाना है और आंखों से थोड़ी दूरी बनाकर ही ब्लीच अप्लाई करें। फ्रेंड्स ब्लीच आपके फेस में से जो डर्ट है, जो गंदगी है उसे निकालने का तो काम करता ही है, लेकिन हमारे फेशियल हेयर है उसे वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। इसी वजह से चेहरे पे ग्लो दिखाई देता है। फेस के साथ साथ नेक पर भी ब्लीच अप्लाई करें। फ्रेंड्स अगर ब्लीच अप्लाई करते वक्त आपको थोड़ी सी जलन हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है तो आप तुरंत ही ब्लीच को रिमूव कर दें और अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें, या फिर आइस क्यूब भी आप अपने फेस पर लगा सकते हो जिससे आपके फेस पे जो जलन हो रही है वो कम हो जाए। फ्रेंड्स मेरे फेस पर ब्लीच कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स ब्लीच अप्लाई किए हुए मुझे 10 मिनट ही हुई है, लेकिन मैं इस ब्लीच को रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि मेरे आँखों में और मेरे फेस पे जलन हो रही है। फ्रेंड्स मेरी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव नहीं है, फिर भी मुझे इरिटेशन हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले एक पेज टेस्ट जरूर करें ताकि आपको पता चले कि वो प्रोडक्ट आपको सूट करता है या नहीं। ब्लीच को रिमूव करने के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। चेहरे और गर्दन को धोने के बाद उसे नैपकिन से पोंछ ले। ओलिविया रिटेन ब्लीच का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है, आप लाइव ही देख सकते हो, और साथ ही मेरा फेस भी ग्लो कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी मेरे फेस पर मुझे इरिटेशन हो रहा है और कुछ कुछ जगह पर रेडनेस भी हो गई है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं। फ्रेंड्स अब अपने फेस पर आपको लास्ट में अप्लाई करना है वो है ओलिविया की ब्लीच सीरम। ब्लीच सीरम त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन स्मूथ एंड शाइन लगती है। ये सीरम ब्लीचिंग को बढ़ाता है और कुछ ही मिनटों में हमारे फेस को लाइटनिंग कर देता है। ब्लीच सीरम अप्लाई करने के बाद 20 या 25 मिनट तक मुझे फेस पर जलन हो रही थी, फिर सब नॉर्मल हो गया था। आप चाहे तो आप ओलिविया डिटेन ब्लीच यूज़ कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।